नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते कैसे, SIP कैसे करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते कैसे, रिडीम कैसे करते हैं, ताकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के बाद आपके मन में कोई डर ना रहे कि रिडीम करते समय, पैसा वापस विड्रॉल करते समय कोई परेशानी तो नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप ग्रो ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपने जो म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, वह म्यूचुअल फंड आपके ओपन हो जाएंगे। उसमें आप जिस म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड से, उस म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इधर XX ब्लू चिप फंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट किया था और 20 रुपये का मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो मेरा टोटल अमाउंट 520 रुपये है। उसके बाद नीचे देखेंगे रिडीम और इन्वेस्ट मोर। अगर आप दोबारा इसी फंड में SIP करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट मोर पे जाएंगे। मैं रिडीम करना चाहता हूँ तो रिडीम में जाऊँगा। रिडीम करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा जिसमें इधर अमाउंट आप डाल सकते हैं। अमाउंट आप 100 रुपये से कम, जैसे मैंने 1 रुपये डाला, इधर नीचे दिखाई दे रहा होगा, 100 रुपये से कम आप विड्रॉल नहीं कर सकते। 100 रुपये से ज़्यादा जितना आपका अमाउंट है उतना विड्रॉल करते हैं। तो मैं इधर 200 रुपये डाल देता हूँ। 200 रुपये डालने के बाद आप देखेंगे तो मेरा जो रेड लाइन में दिखा रहा था 100 रुपये, वो हट गया। तो 200 रुपये आप विड्रॉल कर सकते हैं। और अमाउंट की जगह पर आप यूनिट भी डाल सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में जो यूनिट मिलती है, आपके पैसे से जो यूनिट खरीदी जाती है वो आपको मिलती है, तो यूनिट भी आप डाल सकते हैं। मैंने इधर अमाउंट डाला है, आप यूनिट चाहें तो यूनिट भी डाल सकते हैं, अमाउंट चाहें तो अमाउंट। मैं इधर अमाउंट डाल दिया हूँ 200 रुपये। नीचे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा 520 रुपये, ये मेरा टोटल अमाउंट है। अगर आप टोटल अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये बॉक्स है, बॉक्स में टिक कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट जितना है वो पूरे का पूरा विड्रॉल हो जाएगा। उसके नीचे आप देखेंगे 3-4 वर्किंग डे में आपका अमाउंट ये प्रोसेस हो जाएगा विड्रॉल और आपके अकाउंट में आ जाएगा। जिस अकाउंट में आप विड्रॉल करना चाहते उस अकाउंट में आप आ जाएगा। तो आगे इधर आप रिडीम आल, नीचे रिडीम आल पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो अगले पेज में आप देखेंगे कि आप पैसा विड्रॉल किस में करना चाहते हैं। आप जो ग्रो बैलेंस, आपका जो ग्रो ऐप है उसमें पैसा आप विड्रॉल करना चाहते हैं। अगर उसमें विड्रॉल करेंगे तो उसके बाद आपको बैंक खाते में विड्रॉल करना पड़ेगा। अगर आप बैंक खाते में ही डायरेक्ट विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप बैंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका पैसा डायरेक्ट विड्रॉल बैंक अकाउंट में होगा। तो बैंक के ऑप्शन पर टिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इधर आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा। फिंगरप्रिंट देने के बाद आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।